हेलो दोस्तों, हाजिर हो चुकी हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रंजीत कौर। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आप भी यस टीवी के साथ जुड़ जाइए क्योंकि ये है आपका अपना प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से। तो भाई जनाब, ये डायरेक्ट दिल से प्रोग्राम की थीम आप अच्छे से जानते हैं कि इस शो में हम बातें करते हैं लव के बारे में। जी हाँ, और प्यार के अफसानों को यहाँ पर गुनगुनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम को बिना वेस्ट किए हम शो की शुरुआत कर लेते हैं और बता देते हैं कि भाई ये है शो डायरेक्ट दिल से। और आज के शो में भी हम एक रियल लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी लव स्टोरी, एक ऐसे कपल जिनका नाम अगर मैं लूं तो सभी जान जाएंगे कि हाँ ये तो काफी पॉपुलर कपल्स हैं, इनसे तो हमें प्रेरणा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर प्यार की बात करें तो भी प्यार में कौन नहीं डूबना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा एक पार्टनर मिल जाए जिसे वो अपनी हर एक फीलिंग शेयर करे। तो चलिए अभी ऐसी ही फीलिंग्स शेयर करने वाले और ऐसे ही इंस्पिरेशन देने वाले एक कपल थे जिनका नाम था रोमियो एंड जूलियट। जी जनाब, आप सभी ने बिल्कुल सही नाम सुना है, रोमियो एंड जूलियट के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। भाई अगर प्यार की बात करें तो प्यार तो पहले के जमाने में होता था क्योंकि उस टाइम पे आपके प्यार को लोग समझते थे। और हाँ, आपके प्यार के वैरी जो थे ना, ये दुनिया वाले पहले भी थे और आज भी हैं। और इसी के साथ जो हमारे पेरेंट्स पहले भी हमें एग्री नहीं होते थे हमारे प्यार को अपनाने के लिए, आज भी ऐसी दिक्कतें आ ही जाती हैं जिनके कारण हमें अपने प्यार से दूर होना पड़ता है, अपनी रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ता है। रोमियो और जूलियट का भी ऐसा ही एक किस्सा था। एक बहुत ही पॉपुलर राज्य था जिस राज्य का नाम था वेरना, और उसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे जिनमें से एक था कैपलेट और दूसरे थे मार्टिन। इन दोनों में आपस में बनती ही नहीं थी। इन दोनों खानदान की लड़ाइयों का जो चर्चा था वो पूरे राज्यवासियों को होता था। सबको पता होता था कि इन दोनों में कितनी ज्यादा लड़ाई है और ये दोनों खानदान एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। मार्टिन परिवार में से एक लड़का था जिसका नाम था रोमियो। एक दिन कैपलेट खानदान के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की गई और उस पार्टी में छुप छुपाते चुपके से रोमियो भी एंटर हो गया अपने फ्रेंड्स के साथ। रोमियो ने देखा कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे कपल्स थे, बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियां थी, और वहाँ से ही एक ऐसी लड़की पर रोमियो की नजर जा टिकी जिसे देखते ही उसको प्यार हो गया। रोमियो ने इस बात के लिए जूलियट को बताया। जी हाँ, जिस लड़की पर उसका दिल आया था उसका नाम था जूलियट। तो उसने अपने दिल की बात जूलियट को बताई। जूलियट ने उस टाइम जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसको भी उससे प्यार हो गया। इसी के साथ ये दोनों जानते थे कि भाई इनके परिवार वाले इनके रिश्ते को नहीं अपनाएंगे, तो इन्होंने चोरी चोरी शादी कर ली। शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया और इनकी शादी करवाने में जिन्होंने साथ दिया था उनका नाम था फ्रियर लॉरेंस। जी हाँ, फ्रियर लॉरेंस ने इन दोनों की चुपके से शादी करवा दी। इसी बीच अगले दिन रोमियो ने जूलियट के भाई की हत्या कर दी और जूलियट को उसके घर ही छोड़कर चला गया। उसको पता था कि अगर वो दोबारा वहाँ आया तो उसको मार दिया जाएगा। फिर उसके बाद जूलियट की फैमिली ने प्लान किया कि भाई जूलियट की शादी पेरिस से करवाई जाए, लेकिन जूलियट ने उसके साथ शादी करने से न माँ बाप को मना कर पा रही थी और न कुछ कह रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी रोमियो से चुपके से शादी कर चुकी थी। फिर इसके बाद प्लान किया गया कि वो नाटक करेगी मरने का ताकि वो उससे शादी न कर पाए। इसी को देखते हुए फ्रियर लॉरेंस ने उसको एडवाइस किया कि तुम नशे की और नींद की दवाइयां लेकर सो जाओ ताकि लोगों को लगे कि तुम मर गई हो। तो ऐसा ही उसने किया। बिल्कुल नशे और नींद की दवाइयों में वो सोई हुई थी जिसको देखकर लग रहा था कि वो मर चुकी है, और उसको मकबरे में ले जाया गया। वहां पर जब रोमियो आया, रोमियो से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुद की वहीं पर ही हत्या कर दी। और जब जूलियट को होश आया तो उसने देखा कि रोमियो मर चुका है, तो उसको देखते ही जूलियट से भी रहा नहीं गया और उसने भी वहीं पर ही खुद को खत्म कर दिया। तो यही थी इन दोनों की लव स्टोरी, जिस स्टोरी के बारे में अक्सर हम जानते हैं, जिस कपल के बारे में अक्सर हमें जानने को मिलता है। तो ये थी लव स्टोरी, हम जिसे रियल स्टोरी कह सकते हैं, रियल लव स्टोरी कह सकते हैं। क्या आज के जमाने में क्या उनका मुकाबला कोई ऐसा कपल कर सकता है?
आई मीन रोमियो और जूलियट जैसा प्यार आज के जमाने में किसी को नजर आता होगा या फिर देखने को मिलता होगा? मुझे नहीं लगता। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि सच्चा प्यार आज की दुनिया में नहीं मिलता। सच्चा प्यार आज की दुनिया में भी मिलता है, और अगर आप भी किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इसी तरीके से मरते दम तक उनका साथ दें। आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव आता है, कोई भी चेंजेस आता है, हर चेंजेस में, हर चीज में, हर सिचुएशन में आप अपने पार्टनर का साथ दीजिए, ताकि लगे कि आप उन्हें सच्चे दिल से प्यार करते हैं। तो डायरेक्ट दिल से प्रोग्राम की आज खास पेशकश यही रही है आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपको आज की भी जानकारी और आज की भी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, आप देखते रहिए यस टीवी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ढेर सारी लव टॉक्स के साथ।